no destructives of the functions like asymptote, horizontal asymptote and vertical asymptote. पहले हम देखते हैं कि असिम्प्टोट हमारे पास क्या है. असिम्प्टोट एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक लाइन है और ये कर्व है. असिम्प्टोट इज अ लाइन टू विच द ग्राफ गेट्स आर्बिट्रेरी क्लोज. असिम्प्टोट एक ऐसी लाइन होती है जिसको जो कर्व है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अप्रोच करता जाता है, उसको मीन उसके करीब आता जाता है. कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे इस लाइन से कर्व का डिस्टेंस ज्यादा है, इस पॉइंट पे कम है, फिर इस पॉइंट पे उससे भी कम है, तो ये डिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है, कर्व इसको अप्रोच करता जाएगा. अप्रोचिंग का कॉन्सेप्ट आप फेमिलियर होंगे आई थिंक उससे, कि इसका मतलब ये होता है कि कर्व जो है इस लाइन को कभी टच नहीं करेगा, सिर्फ इस डिस्टेंस कम से कम होता जाएगा और डिस्टेंस इतना कम होता जाएगा कि वो मिनिमाइज डिस्टेंस हो जाएगा, या हम उसको इग्नोर भी कर सकेंगे. अब हम देखते हैं कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल सिम्प्टोट क्या है. इससे डिफाइन करने से पहले स्लाइड की इसकी डेफिनेशन को थोड़ा देख लेते हैं हम. सिम्प्टोट सिम्प्टोट इज अ लाइन टू विच द ग्राफ गेट्स आर्बिट्रेरी क्लोज. ग्राफिकली ये होगा कि ये लाइन y इज इक्वल टू b, कर्व है y इक्वल टू f ऑफ x, तो डिस्टेंस मिनिमाइज से मिनिमाइज होता जा रहा है हमारे पास. f of x नॉट माइनस b, ये डिस्टेंस है इस कर्व के इस पॉइंट का इस लाइन से. अब हम डिफाइन करते हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल सिम्प्टोट क्या है. हॉरिजॉन्टल सिम्प्टोट को फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x हैज अ हॉरिजॉन्टल सिम्प्टोट y is equal to b, suppose y is equal to b कह लेते हैं उसको, if limit x approaches to infinity f of x is equal to b. dear student, इसका मतलब ये है कि as x approaches to infinity f of x approaches to b, जैसे x approach करेगा infinity को, mean x जैसे larger होता जाएगा, f of x जो है वो b को approach करता जाएगा, और y equal to b हमारे पास वो line है जो horizontal asymptote जिसको हम कह रहे हैं. और in the other sense you can say that as x approaches to minus infinity f of x approaches to b, means limit x approaches to minus infinity f of x is equal to b. ये हमारे पास horizontal asymptote हो गया. इसकी डेफिनेशन को एक दफा फिर देख लेते हैं. A graph y graph of x has a horizontal asymptote y is equal to b if and only if either limit x approaches to infinity f of x equal to b or limit x approaches to minus infinity f of x equal to b. graphically इसे देखते हैं, graphically इसका meaning क्या है. x कह लेते हैं, y कह लेते हैं. तो ये एक लाइन है हमारे पास y इज इक्वल टू b, इस लाइन को कहते हैं. तो ये हमारे पास f ऑफ x का ग्राफ है. बाय डेफिनेशन हमने कहा था कि x अप्रोच करेगा
जैसे जैसे इन्फिनिटी को मेन एक्स की वैल्यू से ज्यादा होती जाएगी, हमारा जो फंक्शन है, जो कर्व है, वो कर्व जो है वो अप्रोच करता जाएगा इस लाइन को, कि एक्स नॉट डेफिनेटली लेस देन एक्स वन है, एक्स वन लेस देन एक्स टेन है। तो एक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होती जाएगी, ये जो हमारा कर्व है वो बी को उतना ही करीब से अप्रोच करता जाएगा। मीन टू से कि फंक्शनल वैल्यूज में इस लाइन में डिस्टेंस कम से कम होता जाएगा। तो इस तरह के बिहेवियर को, जब फंक्शन का बिहेवियर होगा, हम कहेंगे ये हमारा ये कर्व जो है इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट कर रहा है, वो वाई इज इक्वल टू बी है। ये देखिए, अब हम डिफाइन करते हैं कि वर्टिकल सिंक्टोट हमारे पास क्या होता है। वर्टिकल सिंक्टोट डेफिनेटली हमारे पास वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन उसकी डेफिनेशन हॉरिजॉन्टल सिंक्टोट से मुख्तलिफ होगी। उसका जो ग्राफ का जो बिहेवियर है अप्रोच करने का उस लाइन को, वो भी डिफरेंट हो जाएगा। कर्व सपोज वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अवर कर्व, इट हैज अ वर्टिकल सिम्प्टोट एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ इधर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी फ्रॉम द लेफ्ट एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस इंफिनिटी और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस मीन फ्रॉम द राइट वी आर अप्रोचिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस इंफिनिटी, देन वी से दैट कर्व हैव अ वर्टिकल सिम्प्टोट। ग्राफिकली इसे देखते हैं, ग्राफिकली इसका क्या मीनिंग है। सपोज दिस इज अवर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दिस इज वाई, एंड दिस इज अ लाइन एक्स इज इक्वल टू सी एंड देखा होगा कि जैसे जैसे हम अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये एक्स नॉट है, इसे हम एक्स फाइव कह लेते हैं, और यहाँ पे इस पॉइंट को हम कह लेते हैं ये हमारा एक्स सपोज सिक्स है। जैसे जैसे आप सी को अप्रोच कर रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, आपका जो कर्व है उसकी जो फंक्शनल वैल्यूज हमें इस ग्राफ से नजर आ रही हैं, वो अनबाउंडेडली लार्ज से लार्जर होती जा रही है। तो अनबाउंडली मीन कि एफ ऑफ एक्स आपका अप्रोच करता जा रहा है इंफिनिटी को, मीन वाई की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है, आपका कर्व जो है वो अनबाउंडेड बिहेवियर शो कर रहा है। इस तरह के हम कहते हैं कि देन वी से दैट, अगर इस तरह का बिहेवियर आ जाए, वी से दैट आवर कर्व हैव अ वर्टिकल सिम्प्टोट एक्स इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास उसकी डेफिनेशन है वर्टिकल सिम्प्टोट की, जिसको अभी हमने डिस्कस किया है।